अगर हमने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि वायरलेस लैन की बात करी तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरलेस लैन. फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क एंड द सेकंड इज एडहॉक वायरलेस नेटवर्क. इस वीडियो में हम एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का अभ्यास करने वाले हैं. सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडहॉक का मतलब क्या होता है. एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, और एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो ऑन अ टेम्पररी बेसिस फॉर्म हो सकता है, और जब वो नेटवर्क फॉर्म होगा ऑन अ टेम्पररी बेसिस तब उसके अंदर अलग अलग नोड्स आएंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेशन होने के बाद वो नोड्स उस नेटवर्क को लीव करके जा सकता है. ऐसे नेटवर्क को एडहॉक वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है. अब इसके अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी. सबसे पहला पॉइंट इज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क में क्या होता था, यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती थी जिसके अंदर अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स आते थे, बट एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में हमें कोई भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती. और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए इसमें कोई एक्सेस पॉइंट्स भी नहीं है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट ईच नोड कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अदर नोड इन अ नेटवर्क, नो एक्सेस पॉइंट इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क में क्या होता था, दो नोड्स को अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है या दो नोड्स को अगर एक दूसरे को डेटा पैकेट सेंड करना है तो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाते थे. अगर इस नोड को डेटा पैकेट सेंड करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता था. उसको सबसे पहले वो डेटा पैकेट अपने एक्सेस पॉइंट के पास सेंड करना पड़ता था, और फिर ये एक्सेस पॉइंट उस डेटा पैकेट को इस नोड को दे देता था. तो बेसिकली ये प्रोसेस होता था. बट क्योंकि एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और इसलिए कोई एक्सेस पॉइंट ही नहीं है, इसीलिए दो नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, एंड यहाँ पे एक्सेस पॉइंट भी रिक्वायर्ड नहीं है. जैसे कि ये हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सेस पॉइंट भी नहीं होगा. एक्सेस पॉइंट क्या है बाय द वे, एक्सेस पॉइंट जो है वो क्योंकि वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है इसलिए वो नोड्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, और अगर कहीं से डेटा आ रहा है उस नोड के लिए या उस एक्सेस पॉइंट के नोड के लिए तो वो डेटा एक्सेस पॉइंट उन्हें सेंड करता है, और अगर इस नोड को कहीं और डेटा सेंड करना है तो उस डेटा पैकेट को एक्सेप्ट करने का काम और उस डेटा पैकेट को आगे सेंड करने का काम एक्सेस पॉइंट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि नोड्स कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ दे आर नॉट इन द नेटवर्क और रेंज. इसका मतलब यह है कि दो नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर वो एक नेटवर्क या रेंज के अंदर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये दो नोड्स एक दूसरे के साथ क्यों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये दो नोड्स एक दूसरे के साथ इसीलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है या ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है. अगर ये नोड यहाँ पे होता था और अगर ये दूसरा नोड कहीं और होता था कहीं और, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जो दूसरा नोड है वो इस नेटवर्क के अंदर या इस रेंज के अंदर नहीं है. फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेज दैट कि इन एडहॉक नेटवर्क द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच नोड इज हायर. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. पॉइंट ये कहना चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क में क्या होता था, इसमें हम हर एक एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते थे. अब अगर मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को अगर हम हर एक एक्सेस पॉइंट पे नहीं इम्प्लीमेंट करते थे तो क्या होता था, अगर इस नोड को इस नोड पे लेट्स से कोई डेटा पैकेट सेंड करना है और इस नोड को इस नोड पे लेट्स से कोई डेटा पैकेट सेंड करना है और दोनों नोड्स साथ में ही डेटा पैकेट सेंड करते हैं, तो वो जब डेटा पैकेट्स इस एक्सेस पॉइंट पे आएंगे तो क्योंकि इस एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड नहीं है तो इसीलिए दोनों डेटा पैकेट्स का कोलिजन हो सकता है, और इससे ये भी हो सकता है कि दोनों डेटा पैकेट्स आगे अपने अपने लोकेशंस पे ना पहुंचे या किसी और ही लोकेशंस पे पहुंचे. बट क्योंकि हर एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड है इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी डेटा पैकेट का कोलिजन नहीं होता और हर एक डेटा पैकेट उसी जगह पे पहुंचता है या उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे वो पहुंचना चाहिए. और ये सब क्यों होता है, क्योंकि हर एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड है. अब एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई एक्सेस पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो नोड्स पे इम्प्लीमेंट हम करते हैं. अब क्योंकि मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म हर नोड पे इंप्लीमेंट किया जाता है इसलिए हर नोड के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. हर नोड को एंश्योर करना पड़ता है कि जो डेटा पैकेट्स है वो सही जगह पे जाने चाहिए, उनका कोलिजन नहीं होना चाहिए. ये सब चीज़ें हर एक नोड को ही देखनी पड़ती है, या ये सब चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो हर नोड को लेनी पड़ती है.
क्योंकि कोई एक्सेस पॉइंट है नहीं, और क्योंकि ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हर नोड को ही लेनी पड़ती है, इसीलिए एडहॉक वायरलेस नेटवर्क के अंदर हर नोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर होती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको एग्जाम में बेटर रिजल्ट चाहिए या ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बेटर नॉलेज चाहिए तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है और लिखने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।